पर खबरदार कर देते हैं। भारत सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 स्मार्टफोन एप्स को बैन कर दिया है। बैन किए गए एप्स में मशहूर गेम गैरिना फ्री फायर भी शामिल है। इसमें ज्यादातर एप्स चाइनीज है। हालांकि ये गेम, इसका डेवलपर चीन से नहीं सिंगापुर से है। पबजी पर बैन लगने के बाद यह ऐप भारत की सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्स में से एक थी। सरकार ने जिन एप्स को बैन किया है उनमें ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, वीवा वीडियो एडिटर और ऐप लॉक शामिल है। ये सभी एप्स चीन और अन्य देशों में भारतीय यूजर्स का डेटा भेज रहे हैं। विदेशी सर्वर पर भारतीय यूजर्स का डेटा लीक हो रहा है, इसीलिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर को आदेश दिया गया। आपको बता दें कि 29 जून 2020 से अब तक 300 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स पर रोक लग चुकी है।